नमस्कार दोस्तों, सुबह के बजे हैं 5:30 और हम रेडी हो गए हैं हल्द्वानी के लिए। चलो बेटे हल्द्वानी चल रहे हैं, फटाफट उठो 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 उठो। सुबह सुबह का मौसम मस्त और हम निकल चुके हैं। चलो बेटा फटाफट चलो। लक्ष्य जल्दी कर बेटा, बैग वैग लिया, ऐसे खड़े क्यों है, चल देर हो रही है। तो गाइज हम निकल पड़े हैं और भूभी ऐसे ही आ गई है, वहीं नहाओगे कह रही है हल्द्वानी में। यहाँ नहाने की तो हिम्मत ही नहीं कह रही, पहाड़ में है ना बुबा। ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेखर जोशी व्लॉग्स में। हम लोग निकल पड़े हैं हल्द्वानी के लिए। जय गुरुदेव। सीधे हल्द्वानी की तरफ को तो दोस्तों पहुंच गए हैं कैची धाम और यहां पे लगा हुआ है जबरदस्त जाम। तो दोस्तों बहुत बुरा हाल है यहां पे जाम का, बड़ी परेशानी है यार। और ये रोड में गाड़ी भी तो लगाई है, साइड में गाड़ी लगाई है, उनमें कोई जैमर वैमर नहीं है, हमारी गाड़ी में जैमर लगा दिया। बताओ जय हो बाबा, कृपा करना गुरुदेव, सद्बुद्धि देना सबसे ज्यादा जरूरी तो वही है, वही कृपा है, वही सबसे बड़ी भक्ति है। सद्बुद्धि हो जाए तो बस। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं हल्द्वानी, बस थोड़ी देर में अपने घर पहुंचेंगे, फिर जाएंगे हॉस्पिटल। देखो कितना चौड़ा हो गया यहाँ पे। हाँ इतना चौड़ा हो गया, पूरा अलग ही लगने लग गया यार। देखो मम्मा हॉस्पिटल क्यों, हम आए क्यों है बेटा हॉस्पिटल, मम्मा को दिखाने आए हैं यार बेटा। तो दोस्तों पौने दस हो गए हैं, अब हम सीधे जा रहे हैं पहले हॉस्पिटल। तो दोस्तों पहुंच गए हम सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के पीछे और यहाँ पे लगा दी हमने गाड़ी पार्किंग। ये आज भूभी भी आ रही है हमारे साथ, सुई लगा देंगे अगर शैतानी करेगी तो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत खतरनाक भूख हो रही है यहाँ पे और गर्मी हो रही है, उमस जैसी भी बहुत हो रही है। तो पहुंच गए हैं सुशीला तिवारी हॉस्पिटल। खतरनाक भीड़ हो रही है, बहुत खतरनाक। तो हम पहुंच गए हैं कैंटीन में, मस्त कैंटीन है यहाँ की, मस्त। और यहाँ पे सैंडविच और चाय ले लिए। तो दोस्तों हमें बीच में टाइम मिल गया था, हम यहाँ आ गए हैं ससुराल में अपने। और ये जो हड़ताली का जो होता है ना राखी बंधन, आज हो रहा है। क्या आपका कौन सा चैनल है? स्पर्श 7 से। स्पर्श हमारे जेठू भी है, स्पर्श 7, स्पर्श 7 चैनल भी है यूट्यूब चैनल, उसमें भागवत रामकथा वगैरह भजन कीर्तन वगैरह आते रहते हैं, सारे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक और जितने भी सारे संशय है उनके निवारण और कथा वगैरह के लिए आप सर्च कर सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारी दीदी ने भी हमारे लिए राखी भेजी थी, वो भी मैंने बदवा ली है। और फैन से शुरू से हमारी मंजू दीदी ने अल्मोड़े से भेजी थी हमारे लिए राखी, वो भी मैंने बदवा ली। ये देखो गाइस, ये काम हो रहा है यहाँ। दोस्तों हमने यहाँ से ले लिया है, स्कूटी ले ली है, गाड़ी पार्क कर दी है, अब हम यहाँ से स्कूटी लेके जा रहे हैं। भूभी यहीं छोड़ रखी है, फिर यहाँ से फटाफट चेकअप करा के फिर घर को जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे काफी सुविधा है, एक तो जेनरिक वाली दुकान है यहाँ पे जो सबसे सस्ती दवा मिल जाती है, अगर आपको जेनरिक की नहीं मिली तो उसके बाद आप वैसे भी ले सकते हैं जेनरिक वाली, और ये है ये वाली, तो सारी दवाएं यहाँ मिल जाती हैं। आप यहाँ से आ जाओ ऐसे करके, यहाँ पे सारी दवाएं ले लो। तो हम वापस आ गए हैं, दवा वगैरह ले ली है, सारा कंसल्टेशन कर लिया डॉक्टर से, और अभी गरिमा को थोड़ा सा ठंडा पिलाया, इसको गर्मी बहुत हो रही है, चक्कर सा आ रहा था, तो इसको अभी एक जीरा वाला पिलाया 10 रुपए का। अब हम चल रहे हैं आगे, फिर भूभी को लेके घर चल रहे हैं। दोस्तों पहुंच गए हम घर, भूभी आगे चली गई है और यहाँ पर गाड़ी लग गई अपनी पार्किंग पे, यहाँ पे एक गाड़ी और लगी रहती है, एक गाड़ी और लगी रहती है। ये हमारा घर है देखो, ये हमारी ईजा को प्रणाम, दिखा जरा ईजा को हाथ दिखाओ। ये तो गाइज गरिमा ईजा को हाथ दिखा रही है, ये सही हो गया। तो दोस्तों शाम का समय हो गया है, गरिमा जी अपने काम में शुरू हो चुका है, गरिमा जी का काम। तो दोस्तों हल्द्वानी की शाम, और आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि बरसों से हम लोग आपको दिखाते थे शाम को हम लोग वॉक करने जाते थे। आज मैं और गरिमा जा रहे हैं अभी वॉक करने के लिए, मतलब ज्यादा लंबी वॉक तो नहीं है, छोटी सी वॉक है। केले का जो पेड़ हमने लगाया था ना अपने घर में, कितना बड़ा हो गया ये देखो। लेकिन जिन्होंने दिया ना दोस्तों वो एक्सपायर हो गए हैं,
तो मतलब हमेशा उनकी याद आती है। हाँ, बहुत ही अच्छे थे, संत थे वो, संत बहुत ही अच्छे थे, बहुत ज्यादा अच्छे थे वो। तो गणेश सामंत जी थे। हाँ, हमारे सामंत जी। हाँ, उन्होंने ये पेड़ दिए थे। तो दोस्तों मौसम भी अच्छा हो रहा है हल्द्वानी का, आज ठंडा ठंडा हो रहा है, कोई ज्यादा इतनी गर्मी भी नहीं हो रही है। पता है बाहर ना यहाँ बहुत अच्छा रहता है मौसम, लेकिन अंदर जो भपका होता है ना बड़ा भयानक होता है। और हल्द्वानी में तब भी मौसम ठीक है, पर इससे आगे तो रुद्रपुर और उससे आगे तो सोचो आप कैसा ही होता होगा, भयंकर। ए, अब तो भूभी भी बाहर आ गई है। दोस्तों आज हमारी ईजा बना रही है खीरे का रायता, पहाड़ी ककड़ी का। वाह यार, बस यही मन था मेरा आज बड़ा ककड़ी का रायता खाने का। ये सब लोग कमेंट कर देना गाइस, कैसे हो सब लोग, ईजा सबको याद कर रही है। ये आज कैसा लग रहा है हल्द्वानी में आपको? अच्छा। दोस्तों शाम का वक्त हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, आज उत्सव जैसा हो रहा है। और गरिमा अपने किचन में बना रही है चाय। गरिमा को, गरिमा तुम्हें तुम्हारे किचन में देखते हुए बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये चाय बनाते हुए काली मिर्ची भी डाल देना यार। काली मिर्ची खाने वाला मजा। फाइनली खाना वाना हो चुका है और ये लोग कर रहे हैं आप चुल्हानी करते हैं, मतलब खाने के बाद वाले जो साफ सफाई वगैरह काम कर रहे हैं। और दोस्तों थैंक यू सो मच आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। आज बहुत खुश हो रहा हूँ क्योंकि आज आया हूँ हल्द्वानी अपने मम्मी पापा के पास, बहुत अच्छा लग रहा है। और गरिमा का जो टेस्ट करवाया था तो उसकी जो दवाएँ वगैरह उन्होंने आगे की दे दी हैं। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद उनका करूँगा जो अल्मोड़ा में हमें आए, हमारे घर तक आए, हमें दवा दे गए और गरिमा को दवा दे गए, ट्यूब्स वगैरह दे गए। थैंक यू सो मच, उनका बहुत बहुत दिल से आभार है। मतलब सच बताओ दोस्तों अल्मोड़ा में ऐसे ऐसे लोग मिले मुझे यकीन नहीं आता, मतलब कितना प्यार करते हैं, कितना वो है मतलब। तो यार इसीलिए अपना पहाड़ जो है ना, अपना पहाड़ गर्व करने लायक है। अल्मोड़ा अपनी सांस्कृतिक नगरी तो है ही। और सबसे उसके बाद लोग रियल में प्यार भी इतना करते हैं, इतना अच्छा मानते हैं। तो जब गरिमा की तबीयत ख़राब हुई थी कितने लोग आए, और एक तो सर वो जो मैंने बताया था दवा भी दे गए, तो मैं उन सबका आभारी हूँ, थैंक यू सो मच। और अब इसका जो है इलाज सही चल रहा है, मतलब जो विटामिन और प्रोटीन वगैरह की जो कमी थी उसकी दवाएं चल रही हैं। गाइस अभी हमने मैंगो शेक खाया, वो भी हर्षिता दादा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ब्लॉग को क्लोज करूंगा। गुड नाइट गाइस, राधे राधे। और आपको पता है मैं किसमें पीऊंगी मैंगो शेक? इसमें। आपको पता है ये ग्लास है, इसके अंदर से देखना भी सुई निकली हुई ये सुई है। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में।